जाते होते थे, दुआ कराते थे, और कभी रात को 10 बजे छोड़ते थे, कभी दिन को ही बोलते थे चले हो जाओ। मतलब वो हमारी अपनी पठारी जुबान जो है ना वहाँ की, हिंदी को वो बोलते थे, उर्दू वगैरह कुछ नहीं बोलते थे, अपनी जुबानें बोलते। वो जो एक लेडीज का किस्सा था, दो बेटों का, वो भी हमारे होते हुए हुआ। बोला जाओ तारा, एक वही हो गया वैसे ही। और कोई बात बताया उनके? वो जो आप बता रहे थे ना, वो बताया ना आपके कट लगा था हाथ में जी, हाथ में जो काटा था। हाँ, मैं जब बैठा हुआ था तो मेरे को जो है उन्होंने अपने पास ऐसे बैठाया, मैंने नसवार का पोड़ा दिया, उन्होंने एक चुटका लगा बाकी डेर में फेंक दिया। जो आजकल हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जो है ना उस डेर की राख लाते हैं। अब जिसम में कोई भी फर्क हो जाता है कहीं तकलीफ, तो हम वो राख उनकी जो है ना घर में रखी है, राख उस जगह पर लगा देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उसमें भी शफा मिलती है। क्या बात है, ठीक है। और दूध माशाल्लाह वो पीते थे और शौकीन थे दूध पीने के, दूध ज़्यादा लोग लेके जाते थे। औरतें, अब हमारी भैंस दूध नहीं देती, आबादी आप दुआ करो, तो ये बहुत सारे मामला थे। चला जो इन्होंने काटा है ना ऊपर जंगल के अंदर, ये जो इनका जो मजार था इसमें खाली वो बैठक थी इनकी, चला काटने के बाद आके नीचे बैठे थे यहाँ पे। बहुत सारी वाक़ात है उनके, बस ये है कि हम आपका हाँ कमीज में बैठा हुआ था, उन्होंने यहाँ से छुरी डाल के यहाँ तक मुझे ले गए, पीछे से सब दादे उनके बैठे थे, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा कि आप घबराए नहीं, डरना नहीं, मैं नहीं डरा, कुछ भी नहीं हुआ, कमीज दी खट्टी मिली। वो खुश हो जाते थे, कोई ना कोई चीज़ दे देते थे। उनको किसी आदमी की कोई चीज़ अच्छी लगती, जैसे छतरी लेके गया उनको अच्छी लगी, वो ले गए तोड़ के मोड़ मार के वो फेंकते थे, तो वो ढेर के अंदर ही फेंकते थे। आजकल जो है लोग जाते हैं वहाँ राख वहाँ से लेके जाते हैं दूर, वो बहुत राख उनकी काम बच मच बोलते मच मच होती फकीर की मच होती। हाँ, जुबरात के दिन जो है ना अभी भी हमारे यहाँ चराग उनका जलता है। क्या बात है। और अगरबत्ती हम जलाते हैं उनका नाम लेके, और फाता भी करते हैं, दुआ उनके लिए करते हैं, कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत जैसे, तो बस ये कोशिश करती है करता हूँ कि भाई उनका जैसे उर्स होता है 6 जून को होता है, 14 दिन को उर्स पे चला जाऊँ। बस ये है कि ये मेरे को एक साल हो गया, तकरीबन साल से कम ही है, इस रमज़ान में मेरे को ये फालज हुआ है, तो अब ये है कि दुआ लेके चलते हैं, मरवश भी करते हैं। आपका माशाल्लाह मैं दम भी सुनता हूँ, ये भी सुनती हैं बैठ के, बस आप भी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे लिए दुआ करें, मुझे अल्लाह आप, आपके आपके साथ जिनकी दुआएं हैं वहाँ मेरी दुआ असर नहीं करेगी, बस मुझे ये चक्कर, मेरी दुआ असर नहीं करेगी, ये चक्कर है। मोबाइल में देखता था ना, मैंने बोला था कब मैं दीदार नसीब होगा हम जाएंगे, तो मुझे तो इन्होंने कल ही बताया, पहले नहीं बताया। मैंने बोला चलूँगा, फिर लगे आप कैसे चलोगे, मैंने बोला चलूँगा, अल्लाह हिम्मत दे देगा, मैं ऐसी हस्ती के पास जा रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से मैं जाऊँगा उनके पास, मिलूँगा कैसे भी होगा, आ गया हूँ गर्मी चला जाऊँगा, आप दुआ फरमाएँ हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी बेगम के लिए, ये सब इनकी करती धरती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता, नहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, तो ये जो है ना करती है मेरे लिए, अभी इनको ये भी हुक्म मिला है कि इनके लिए पढ़ो, वो मेरे लिए पढ़ती हैं, जो मुख्तसर सा होता है बता देती हैं। अभी आपका ये बिस्मिल्लाह का आया था माशाल्लाह, मैं यही दुआ करके दम करता हूँ कि बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत है, सब ताकत बिस्मिल्लाह की है, बड़ी ताकत है बिस्मिल्लाह में। अल्लाह आपको खुश रखे, आपका साया हमारे सर पे कायम दायम रखे, तो अल्लाह करे फिर भी मुलाकात हो। लेकिन आपके एडमन वाले जो है ना सारे, ये जो अल्लाह अच्छा करे इनको, अच्छे सही से जवाब देते हैं, हम फोन करते हैं, ये सुनते हैं, बताते हैं। अब मैं एक एक करके नाम नहीं लिए सच्चा सब ये कहता हूँ सबको, जुमला जो आपके ये हैं कारकुन है, अल्लाह पाक इनको अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन, अच्छा करे, और आप हमारे सर पर कान दायम रहे। मैं कहीं नहीं जा रहा इतनी जल्दी, आप फिक्र ना करें।
जी सलाम अलैकुम, ये फाउंडेशन फ्रीडम वाली बाजी है जी। ये फ्रीडम वाली मैं गई थी अपने पीरो मुर्शिद लाल शाह बाजी के मज़ार पे, तो मेरी मैं उस वक्त बहुत बीमार रहती थी ना, तो इन्होंने कहा ये बहुत बीमार रहती है तो आप है ना जिस तरह के ये बहुत बीमार है। उन्होंने फौरन टेप लिपटा हुआ डंडा था काला सा, इतना मुझे मारा इतना मारा कि मैं ना बिल्कुल यूं करके बैठी रही बैठी रही। जब वो डंडा लगता ना करती थी बस, फिर है ना इस तरह करते करते फिर मेरी बाद में हम लोग जब बाद में देखा तो ऐसा सुकून सा मिल गया जिस्म पे, बिल्कुल ना कोई निशान ना कोई कुछ ना कुछ। मेरा बड़ी आरजू है, मैं कहती हूँ एक दफा जाऊं उनके पास, फिर अल्लाह पाक इनको सही करे तो फिर मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद है ना अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतरी की तरफ हूँ, उस तरह की बीमार नहीं हूँ। और आपका जो है ना ये मैं वजीफा कर रही हूँ ना, उसके बाद से मैंने नींद की गोलियां खाती थी वो मेरी खत्म हो गई हैं, मैं ब्लड प्रेशर की गोलियां खाती थी मेरी वो खत्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी है ना मेरी है ना तकलीफें जो है ना इस वजीफे के बाद है ना खत्म हुई है, और मैं ना बहुत बेहतरी महसूस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात है मेरे बेटे का मसला था वो अल्लाह पाक ने बहुत सॉल्व किया है, और अब भी है ना जो थोड़ा बहुत है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा आपकी इंशाल्लाह और आपके वजीफे पढ़ने की वजह से। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, आप जो क्या कहते हैं उसे कलंदरों की मार खाए हुए हो, अंकल जी जो है वो कलंदरों के कटे हुए हैं, मेरी दुआ तो असर नहीं करेगी सीधी बात है। आखिर मिलाया